सीढ़ियों पर वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पर जाना होता है। अरे वो तो उड़ान भरते हैं जिन्हें आसमान पर जाना होता है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित है कक्षा 9 गणित। टॉपिक चल रहा है बहुपद। बहुपद के अंतर्गत हम आपको 4 पार्ट प्रोवाइड करा चुके हैं। पार्ट नंबर 5 के अंतर्गत देखेंगे, बहुपद की जानकारी लेंगे, क्या क्या होता है बहुपद में, बहुपद, और बहुपद के अंतर्गत आपको पढ़ना है यहाँ क्या, गुणांक। 3x पावर 7 माइनस 5x पावर 6 2x पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 7x³ माइनस 2x प्लस 5। बहुपद का प्रत्येक पद धनात्मक चिन्ह द्वारा संबंधित होता है। आप ये चीज लिख सकते हैं, बहुपद का प्रत्येक पद धनात्मक चिन्ह द्वारा संबंधित होता है। अब इनका अगर धनात्मक चिन्ह बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x पावर 7 प्लस माइनस 5x पावर 6 प्लस 2x पावर 5 प्लस माइनस 3x पावर 4 प्लस 7x³ प्लस माइनस के 2x प्लस 5। धनात्मक चिन्हों द्वारा संबंधित होता है। अब यहाँ पर बहुपद के पहले पद का गुणांक आप देख रहे हैं, बहुपद का पहला पद ये है, वो क्या है, 3x पावर 7, और इसका गुणांक देखेंगे तो एक्स पावर 7 के आगे क्या रखा है, 3, तो इसका गुणांक हो गया कितना, 3। बहुपद के दूसरे पद का गुणांक, दूसरा पद ये रखा है, गुणांक कितना है, -5। बहुपद के तीसरे पद का गुणांक, तीसरा पद ये है, गुणांक कितना है, 2। बहुपद के चौथे पद का गुणांक, चौथा पद ये है, -3। बहुपद के पांचवें पद का गुणांक ये रहा 7। बहुपद के छठे पद का गुणांक -2। बहुपद के सातवें पद का गुणांक 5। इस तरीके से सभी अलग अलग पार्ट आपको दिए गए हैं और आसानी से ये चीज कन्फर्म कर सकते हैं कि बहुपद का पद क्या होगा। माइनस चिन्ह को धनात्मक बना लिया, माइनस चिन्ह को धनात्मक बना लिया, यहाँ भी माइनस चिन्ह को धनात्मक बना लिया। अब आसानी से उनके गुणांकों पर विचार किया जा सकता है। पहले पद का गुणांक यानी x पावर 7 के आगे क्या रखा है, 3।
तो जो पहले पद का गुणांक होगा वो कितना होगा, 3। दूसरे पद का गुणांक -5। तीसरे पद का गुणांक, चौथे पद का गुणांक, पांचवें पद का गुणांक, छठवें पद का गुणांक और सातवें पद के गुणांक, ये सभी गुणांक आसानी से आप कन्फर्म कर सकते हैं। पूर्णांकों में ऐसी कोई खास बात नहीं है, यहाँ पूर्णांक नंबर भी मिल सकता है आपको, ऋणात्मक नंबर हो सकता है, धनात्मक नंबर हो सकता है, वास्तविक नंबर हो सकता है, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ तक के अपरिमेय संख्याएं भी आ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप देखेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, पहले चलिए ऐसे एक दो प्रश्न और करते हैं, उनमें गुणांकों की आपको पहचान करनी है, किस तरीके से आप गुणांकों को पहचानते हैं आइए देखते हैं। एक्स पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 3x प्लस 5। एक्स पावर 4 का गुणांक, तो यहाँ एक्स पावर 4 के आगे क्या लिखा है, -5, तो -5 उत्तर हो गया उसका। एक्स पावर 3 का गुणांक, जैसे ही बात आई एक्स पावर 3 का गुणांक, एक्स पावर 3 नहीं है इसमें, जब नहीं है तो गुणांक क्या होगा, 0। एक्स पावर 2 का गुणांक, एक्स पावर 2 भी नहीं है, गुणांक क्या होगा, 0। एक्स का गुणांक, एक्स के आगे क्या है, 3, तो एक्स का गुणांक 3। अचर गुणांक, जिसमें एक्स ही न हो, ऐसा क्या है, 5। तो इस प्रकार आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। अब लगभग लगभग आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा, आप गुणांकों को आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।